मंदसौर जिले के बसई में मच्छी पालन के लिए 10 साल पर दिया तालाब को लीज पर। सरपंच और सचिव ने पैसे लेकर काटे पट्टे तालाब पर। मंदसौर जिले के स्वासरा थाना क्षेत्र के गांव बसई में सरपंच और सचिव द्वारा मिलकर जो एक जय मां अम्बे तालाब मत्स्य पालन महिला समिति के द्वारा 10 साल के लिए लीज पर ले रखा है, और उसी तालाब पर सरपंच और सचिव ने पैसे लेकर दबंग लोगों को पट्टे दिए हैं और अब वहां पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। वही समिति की महिला और पुरुष आज कलेक्टर कार्यालय और एसपी कार्यालय पर कार्रवाई की मांग को लेकर पहुंचे थे। मंगलवार 1 बजे और जन सुनवाई में ज्ञापन दिया गया है। समिति के सदस्य महिला द्वारा कहा गया कि हमारे और हमारे परिवार के साथ दादागिरी की जा रही है और कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। हम लोगों को 2014 में कलेक्टर द्वारा गहरीकरण को लेकर तालाब को 1 लाख रुपए दिए थे और महिलाओं ने समिति के माध्यम से 40,000 और भी गहरीकरण को लेकर लगाए थे। समिति की महिला ने आरोप लगाया कि अवैध तरीके से रिश्वत लेकर सरपंच और सचिव ने 2 लोगों को पट्टे दिए हैं और वहां पर हम या हमारे समिति के सदस्य उनके बच्चे तालाब पर जाते हैं तो उनको जान से मारने की धमकी दी जाती है। इस तरह आरोप लगाया गया है। समिति की महिला ने कहा कि हम लोगों को भी 10 साल के लिए तालाब को लीज पर दिया और 2 और भी लोगों को अपट्टे के नाम पर पैसे लिए और उनको पट्टे दे दिए गए हैं। सरपंच और सचिव की शिकायत करने के लिए आज महिला द्वारा एसपी और कलेक्टर को शिकायत की गई है और कहा कि हम लोगों की कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा है। जो ग्राम पंचायत द्वारा मुख्यमंत्री द्वारा एक तालाब बना हुआ था ग्राम पंचायत के पास में, तो वो तालाब महिला को 10 वर्ष के लिए लीज पट्टे पे दे दिया था मछली पालन के लिए। तो उसके बाद में वहाँ पे एक लाख रुपए कलेक्टर साहब ने घेरीकरण के लिए दिया था और 40,000 रुपये महिला समिति ने घेरीकरण करवाया, उसमें एक जैसा करवाया। उसके बाद में 2018-19 में उस सरपंच मंत्री ने बाबूलाल बनिया जो पैसे वाला है सर, और एक दिलीप पिता मोहनलाल कलार पैसे वाला, इन दोनों को 2-2, 3-3, 4-4 लाख रुपए लेके पट्टा दे दिया वहाँ पे। और उनको बोला कि हमने पट्टा दे दिया, आप खुला मकान बनाओ सर। तो जेसीबी से दिन दहाड़े मकान बना रहा और गड्ढे खोद रहा। हमने एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, पटवारी साहब, सीओ साहब, जनपद पंचायत सीतामू, मुख्य पालन अधिकारी मंदसौर, एसपी साहब के यहाँ भी कार्यालय में आवेदन दे दिया, कलेक्टर साहब के यहाँ कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं सर। वो अभी भी आज भी दिन दहाड़े काम चला रहा था। हम मंगलवार है मंदसौर में आए महिला के साथ में, तो बच्चे गए थे तो बोला कि पावड़े की दूँगा और काट के फेंक दूँगा, उसकी रिकॉर्डिंग है सर हमारे पास। कहाँ से आए आप लोग? बसे से आए सर हम सुबह। मेरा नाम हीरालाल चौहान है जी सर। कहाँ से और क्या मामला? बस ऐसे, और सरपंच ने दिया था, हमारे को भी दे दिया, उनको भी पट्टा काट के रिसीवत ले लेके इनने सबको पट्टा काट दिया। महिला जाती है, 10 महिला का समूह है। हाँ। महिला जाती है तो जाके हमारे को धमकी देते हैं, मारने की धमकी देते हैं, तुम्हारे को जान से मार के डाल देंगे। हाँ। 10 साल का अग्रीमेंट दिया हमारे को, तो फिर क्या करा? तो हमने शब्द आवेदन दिया, हमारे कोई सुनवाई नहीं कर रही। हाँ, वो तालाब पे क्या करा? वो मकान बना रहे। कौन लोग? वो कलार दिलीप। हाँ। और बाबूलाल बनिया। हाँ। और हम गरीब महिला हैं, हमारे पास में पैसे नहीं है, तो हमारे को ज़्यादा धमकी देके कोई नहीं, हमारे पैर भी देना, हमारे बच्चे बच्चे भी ध्यान रखते हैं तो क्योंकि तालाब में डाल देंगे, तुम्हारे को मार देंगे, उसके काट के फेंक देंगे। अभी रिकॉर्डिंग करा, बच्चे गए थे 2 देखने के लिए। हाँ, तो ये किसने करवाया? सरपंच ने करवाया? ये सरपंच ने और मंत्री ने, दोनों ने करवाया। क्या करवाया? उन्हें हमारे से अग्रीमेंट दे दिया, उनसे पैसे लेके पट्टा काट दिया। क्या नाम आपका? मेरा नाम संगीता। आए मछली पालन का तालाब है, उसमें वो खड्डा खोद के मकान बना रहे हो, हमारा 10 साल का एग्रीमेंट है उसमें। वो मतलब पावड़ा ले लेके दौड़ते हैं, वो हम जाते हैं तो क्या खड्डा के खोद रहे, पावड़ा ले लेके दौड़ते हैं हमारे लेडीज के पास। हाँ। 11 जने का समूह हमारे। कौन व्यक्ति है जो इस तरह से कर? वो बाबू सेठ है और 2-3 जने और, इसका पट्टा बना लिया उसने ने किया, हमारा दिलीप कलार भी है और जने भी है। कौन है ये? ये हमारे यहाँ की है, बसई की। कौन है ये? दिलीप कलार। कौन है दिलीप कलार? दिलीप कलार है क्या मालूम, कलर समाज का है, उसकी जाति है कलर समाज। एक बनिया भी है सेठ। तो कहाँ पे शिकायत करी आपने? हम कलेक्टर साहब के वहाँ सब दूर जाए, एटीएम के वहाँ कलेक्टर। क्या नाम आपका?